भीलवाड़ा के मांडलगढ़ से भाजपा विधायक कीर्ति कुमार का निधन हो गया है। वह स्वाइन फ्लू से पीड़ित थी। 50 वर्षीय इस विधायक का जयपुर के फोर्टिस अस्पताल में उपचार किया जा रहा था। रविवार को सांस लेने में तकलीफ होने पर उनको वेंटिलेटर पर रखा गया था। कीर्ति कुमार के निधन से उनके परिजनों के साथ ही अन्य परिचितों और भाजपाइयों में शोक व्याप्त है। वे बिचौलिया के पूर्व राजघराने की बेटी थीं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी श्रद्धांजलि व्यक्त की। कीर्ति कुमार का इससे पहले SMS अस्पताल में उपचार किया जा रहा था, लेकिन परिजनों के कहने पर उन्हें फोर्टिस अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। एक दर्जन चिकित्सकों की टीम उनके उपचार में जुटी हुई थी। तो हमने एटर्नल हॉस्पिटल में बात की, तो वहाँ ECMO वेंटिलेटर खाली नहीं था। फिर हमने फोर्टिस में जिससे तंबोली से बात की, तो उन्होंने कहा कि यहाँ ECMO वेंटिलेटर खाली है। तो हमने हाथों हाथ यहाँ उनको शिफ्ट किया और यहाँ पूरा मुकम्मल इलाज हुआ और भगवान की इच्छा थी सुबह 6 बजे वो पलट। उस पर काफ़ी प्रयास किया और हम सभी प्रयास करने के बावजूद उनकी ज़िंदगी नहीं बचा सके। हॉस्पिटल प्रशासन और हम सबको इस का खेद है कि एक अपूर्णीय क्षति हुई है। एक मोदी की जो इलाज की पद्धति थी उसमें पूर्णतया लापरवाही की गई। कल मैं वहीं था शाम को, और उनको जब फोर्टिस में यहाँ शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया वो भी बिल्कुल गलत था। SMS हॉस्पिटल हमारा सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, और वहाँ पर एक भी सीनियर डॉक्टर इनको अटेंड करने के लिए नहीं था। वहीं राजपूत सभा भवन के अध्यक्ष गिरिराज सिंह ने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि SMS अस्पताल में ढंग से इलाज नहीं किया गया, इसके अलावा फोर्टिस अस्पताल में शिफ्ट करने में भी देर की गई।